नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता और आपके राशि के स्वामी शनिदेव वक्री होने वाले हैं, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 17 जून 2023 की रात 10:48 पर शनिदेव आपकी राशि यानी कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक यानी आने वाले 5 महीने तक शनि वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। इसका देश काल वातावरण के ऊपर सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में शनिदेव आपके जीवन में बड़े बदलाव को देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शनि ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता, कर्मों के हिसाब से फल देने वाले ग्रह माने गए हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शनि उसके पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का यानी वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका, संचित कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने गए हैं। शनि की चाल सभी नवग्रहों में सबसे मंद होती है। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव संचरण करते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर सबसे लंबे समय तक शनि ग्रह का ही प्रभाव रहता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद इन 3 नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। तुला राशि में ये उच्चस्थ स्थितियों में होते हैं, वहीं मेष राशि में ये नीचस्थ स्थिति में यानी नीच के होते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर शनि की स्थिति यदि बलवान हो तो कई प्रकार के बदलाव और सफलता भी मिलती है। देखिए, शनि ग्रह को लेकर समाज में नकारात्मक धारणा बना दी गई है। शनि के द्वारा लोगों को डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जब शनिदेव किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर बली और मजबूत स्थितियों में होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर उत्साह, दृढ़ता, परोपकार और ईमानदारी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। शनि अगर अनुकूल हो तो कर्म क्षेत्र में कम प्रयास में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। शनि अगर बली हो, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में जातक बड़ी उपलब्धि अर्जित करता है। शनि के शुभ होने पर कागज, कपड़ा, कोयला, लोहा, लकड़ी, भूमि से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं जन्म कुंडली पर शनि अगर कमजोर स्थितियों में हो, नीच के हो जाए, पापी ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाए, अस्तगत स्थितियों में यदि आ जाए, वायु जनित रोग यानी पेट से संबंधित रोग परेशान करता है, हाथ पैरों में दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, शनि के कुप्रभाव से अवसाद यानी डिप्रेशन, कैंसर जैसी प्रॉब्लम शरीर में देखने के लिए मिलती है। शनि अगर खराब हो, कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। शनि आपके स्वयं राशि के स्वामी माने जाते हैं
और आपके व्यय भाव के स्वामी भी माने जाते हैं, जो 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक आपकी राशि में ही वक्री रहने वाले हैं। राशि के प्रथम भाव पर शनि वक्री होकर तीसरी दृष्टि से कुंभ राशि के पराक्रम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, दशम दृष्टि से आपके राशि के कर्म भाव को देखने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री शनि के प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में उत्साहित होकर कार्य करते हैं, योजना बनाकर कार्य करते हैं और मेहनत पूर्वक चलते हैं, तो जबरदस्त सफलता आपको कर्म क्षेत्र में इस समयावधि में देखने के लिए मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उत्साह और प्रमोशन जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। यदि आप जीवन में कार्य व्यवसाय का बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं, यानी यदि आप नौकरी का बदलाव करना चाहते हैं, संभल कर बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि के वक्री काल में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में नई योजनाओं को फलीभूत करने का समय बेहतरीन रहेगा, यानी किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक मामलों के लिए यह समय बेहतर कहा जा सकता है। यदि आप जीवन में आर्थिक उन्नति को लेकर परेशान हैं या कर्ज जैसी स्थिति आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, इससे निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है। यदि आपको कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों, लगन भर शनि का वक्री काल आपके मन में तनाव की स्थिति को भी देने वाला है, इसलिए किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ का तनाव मन में निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता आपको देखने के लिए मिलेगी। बीच बीच में वैचारिक मतभेद निर्मित होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को समन्वय बनाकर वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस परिवर्तन से, शनि के इस वक्री काल से, आपके मन में इस समयावधि में भौतिक सुखों की ओर चाह ज्यादा उत्पन्न होगी, यानी भौतिक सुखों को अर्जित करने का प्रयास आप ज्यादा करेंगे और इसमें आपको सफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। शनि के वक्री काल का इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुछ खास बातों का ध्यान कुंभ राशि वाले जातकों को रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में ईमानदारी पूर्वक चलने का प्रयास करें, सत्यता पूर्वक चलने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना बेहतर रहने वाला है। चाहे आपके पति हों, पिता हों, बड़े भाई हों, आपके दादा दादी हों, उनके अनुभवों को लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर इन चीजों का पाठ करते हैं, तो स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा सकारात्मक बनने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को शनि जन्य दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, चूंकि शनि आपके राशि के स्वामी
माने जाते हैं, तो इस समयावधि में घर में शनि यंत्र स्थापित जरूर करें। ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं, प्रत्युत्तर या निवीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।